हमने ये 1 किलो दूध लिया है, और 1 किलो दूध में कहते हैं कि एक मुट्ठी चावल लो अंदाज से, तो एक मुट्ठी चावल को हमने 2 घंटे पहले ये गला कर रखा हुआ है। पहले हम इसको दूध को उबालेंगे। दूध को उबालने चढ़ा करके जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगी दूध में, बहुत ये मेरा उबला हुआ दूध रखा हुआ है, जो दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगी, तो हम जो 2 घंटे गलाया हुआ जो चावल है, इस चावल को हम इस दूध के अंदर डाल देंगे। ये दूध में डाल करके, और ये खीर 4 लोगों के लिए बना रहे हैं अपन। 1 किलो दूध की खीर 4 लोगों को पर्याप्त रहती है। ये हमने इसको चावल को खीर में डाल दिया। खीर में डाल दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे बीच में हिलाते रहेंगे। ये करीब करीब इसको 10 मिनट तक हम सीधी भी आंच पर पकाएंगे, ताकि हमारा दूध भी इसमें गाढ़ा हो जाए और चावल पूरा दूध के अंदर पक जाए। जैसे पूरा अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। ये चावल अब थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है और अपना दूध गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी अपन ने चावल को देखा दबाकर, तो ये चावल अभी पका नहीं है, थोड़ी सी में और कसर है, तो हम इसे और 5 मिनट के लिए रहने देंगे, तो दूध एकदम बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, तब तक इसे हम पकने देंगे और धीरे धीरे इसका खीर का जो कलर है वो भी चेंज होता चला जाएगा थोड़ा बहुत। अब ये खीर हमारी, चावल पूरे हमारे पक गए हैं। ये इसको अपन दबा कर देखेंगे ऐसे, ये पूरा मैश हो रहा है चावल, ये चावल पूरा पक गया है। अब ये शक्कर डालने के लिए तैयार है। हमने जितना चावल लिया था, इसमें हमने एक मुट्ठी चावल लिया था या एक कटोरी चावल लिया था, तो उसके हिसाब से हम 1/4 कटोरी इसमें शक्कर डालेंगे। 1/4 कटोरी शक्कर इसमें डालकर पूरा पक जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए और इसे पकाएंगे हम। मीठा यदि कोई ज़्यादा खाता है, ज़्यादा पसंद करता है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा शक्कर भी डाल सकता है। अभी शक्कर इसकी गल जाने के बाद और फिर गार्निश करने के लिए, खाने के लिए तैयार है। केसर, केसर से थोड़ा सा इसका रंग और ऑरेंज कलर का थोड़ा बादामी हो जाएगा केसर डालने के बाद में। इसको गरम गरम और ठंडी करके फ्रिज में रख करके भी खाया जाता है, दोनों तरह से इसको चैट करते हैं। सॉरी, ये हमारी खीर अब खाने के लिए तैयार है।